हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट और क्लोज टेस्ट के कुछ क्वेश्चन बैंक क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के, और इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है। देखिए, बैंक क्लर्क एग्ज़ाम या बैंक पीओ एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, यहाँ पर ये जो डायरेक्शंस दिए हैं, इनको आप जरूर जरूर पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आना जरूरी है सबसे पहले कि करना क्या है इसमें। अब देखिए, यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया है, ये पूरा एक सेंटेंस दिया है, और इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट जो है ये बोल्ड में लिखा हुआ है, वुड बी इन्वाइटेड। ठीक है, तो इसको आपको रिप्लेस करना है, और किस किस ऑप्शन के साथ इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये तीन ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, और एक ऑप्शन ये है। तो ये यहाँ तक इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि किस किस ऑप्शन के साथ इस पर्टिकुलर ऑप्शन को रिप्लेस किया जा सकता है। कि क्या केवल फर्स्ट के साथ, क्या फर्स्ट और सेकेंड दोनों के साथ, क्या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों के साथ, और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि तीनों, यदि ये सही हैं, यदि ये तीनों रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब यदि ये तीनों रिप्लेस हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। यदि एक से ही रिप्लेस हो सकता है, यदि ये केवल इसी से रिप्लेस हो सकता है, यो यहाँ पर ये जो बोल्ड दिया है, ये बोल्ड दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद उसको सही आपको करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। द ऑर्डर इशूड लास्ट वीक। अब देखिए, इसमें लास्ट वीक की बात हो रही है, यानी सिंपल सा कॉमन सेंस ये है कि ये पास्ट टेंस पर बेस्ड है ये सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट वीक की बात हो रही है। द ऑर्डर इशूड लास्ट वीक स्टेटेड, जब देखिए स्टेटेड भी लिखा है, तो स्टेटेड का मतलब भी सिंपल सा ये है कि ये पास्ट टेंस है। लास्ट वीक का मतलब ये है कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, द ऑर्डर इशूड लास्ट वीक स्टेटेड दैट ऑन दिस स्पेशल डे पेरेंट्स वुड बी इन्वाइटेड टू द स्कूल्स वेयर देयर वॉट्स वुड ऑनर दैम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम विल की जगह क्या लगाते हैं? वुड लगाते हैं। पास्ट टेंस में हम विल की जगह वुड लगाते हैं, तो इसमें विल बी इन्वाइटेड कहना थोड़ा सा गलत होगा। वर इन्वाइटेड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट टेंस नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, इसको आप इसलिए नहीं बोल सकते वर इन्वाइटेड। देखिए, वर इन्वाइटेड बोल सकते हैं, लेकिन इसमें वर इन्वाइटिंग दिया है। ठीक है, और वर इन्वाइटेड यदि आप बोलते तो फिर यहाँ पर ये वुड नहीं आता। ठीक है, इसलिए वर इन्वाइटिंग तो खैर पूरी तरीके से गलत है ही, लेकिन वर इन्वाइटेड हो सकता था। वर इन्वाइटेड भी तब हो सकता था जब यहाँ पर वुड नहीं होता, क्योंकि वुड तो फ्यूचर को इंडिकेट करता है ना। तो फ्यूचर वाले सेंटेंस में हम इस पास्ट को नहीं डाल सकते, वर इन्वाइटेड इसको नहीं डाल सकते, और चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, और पास्ट का इक्विवेलेंट, विल का पास्ट इक्विवेलेंट क्या होता है? वुड होता है, तो इसलिए विल भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वुड भी आ सकता है, और आर इन्वाइटिंग भी नहीं होगा इसमें। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन इसमें नहीं आ सकते, यानी जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? इसमें आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। और हाल ही के दिनों में बैंक पीओ एग्ज़ाम में और बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में ग्रामर का रोल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसलिए ग्रामर के जो बेसिक्स हैं वो आप ज़रूर क्लियर कर लें। अप्लाइड ग्रामर के नाम से एक फोल्डर है इस वीडियो कोर्स में, तो उसमें जितने भी ग्रामर के वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देख लें। चलिए, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एजुकेशनलिस्ट हैज एक्सप्रेस्ड आउटरेज ओवर द मूव। एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षा से संबंधित जो लोग हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है, आउटरेज का मतलब है गुस्सा, और ओवर का मतलब उसके ऊपर, और मूव का मतलब कोई कदम है, कोई कदम उठाया गया है, और उस कदम के उठाने से इन लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, ये सेंटेंस का मतलब है। तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, सॉरी, ये सेंटेंस प्लूरल में है, ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये प्लूरल में है, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल में है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हैज़ नहीं आ सकता। इसमें क्या आ सकता है? इसमें हैव आ सकता है, और इस सेंटेंस को आप हैड के साथ भी बोल सकते हैं। जो पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें जो वर्ब होती है
वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हैड ही होती है, तो निश्चित रूप से आप इसको हैड के साथ भी बोल सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर विल एक्सप्रेस भी आप बोल सकते हैं, एजुकेशनलिस्ट विल एक्सप्रेस आउटरेज ओवर द मूव, ठीक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल एक्सप्रेस भी आप बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। और ये ऑप्शन गलत क्यों है? ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है और वर्ब इसमें सिंगुलर है, जो कि गलत है। तो इसलिए इसका रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। और रिप्लेसमेंट किस किस से कर सकते हैं? आप हैव एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं, हैड एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं और विल एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब सही है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब सही है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब सही है। तो ये तीनों ही सेंटेंस इसमें आपके सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर बी टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर अमंग टीनेजर्स। पहले इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब समझते हैं। हिंदी में इस सेंटेंस का मतलब ये है कि स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया है उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि जो टीनेजर हैं, जो 13 साल से 19 साल के बच्चे हैं, उनके ऊपर जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, उससे उनको बचाना है। द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इज टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर अमंग टीनेजर्स। तो यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सही रहेगा इसमें। द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इज टू काउंटर, मतलब इस ऑर्डर का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो जब आप इस तरह से सेंटेंस बोल रहे हैं किसी चीज का, किसी कोई प्लान्ड एक्टिविटी आप बताते हैं या कोई डिटर्मिनेशन आप बताते हैं कि इसका ऐसा है, मतलब इस चीज का रिलेशन इससे है, या कोई स्टेटमेंट बताते हैं, तो उसमें ये वाला स्टेटमेंट आप यूज करते हैं। जैसे जैसे यदि मैं कोई सेंटेंस बोलूं, फॉर एग्जांपल, माय गोल इज टू क्लियर SBI PO। ठीक है, माय गोल इज टू क्लियर SBI PO, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। और इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरा गोल है कि SBI PO को मैं क्लियर करूं। माय गोल इज टू क्लियर SBI PO। तो इस स्ट्रक्चर में H2, M2 और R2 के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसके थ्रू हम कोई चीज़ स्टेट करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का स्टेटमेंट बताते हैं, किसी चीज़ का पर्पज हम बताते हैं। तो इसलिए इस वाले सेंटेंस में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सही रहेगा। द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इज टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर अमंग टीनेजर्स। ठीक है, हैज़ टू नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हैज़ टू के साथ एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो वैसे ही ये गलत हो गया। हैज़ टू, हैव टू, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी है, तो ये गलत हो गया। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है तो ये भी गलत हो गया। और वैसे भी हैज़ टू हम लगाते हैं कंपल्सन के लिए, जब किसी चीज़ का कंपल्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूँ कि आई हैव टू क्लियर SBI PO, मतलब मुझे SBI PO क्लियर करना है, या आई हैव टू कम्प्लीट दिस वर्क बाय इवनिंग, मुझे इवनिंग तक ये वर्क कंप्लीट करना है, तो हैज़ टू, हैव टू हम तब लगाते हैं जब हमारे ऊपर किसी काम को पूरा करने का कंपल्सन होता है, एक्सटर्नल कंपल्सन होता है, तब हम हैज़ टू, हैव टू लगाते हैं। ठीक है, तो हैज़ टू, हैव टू इसमें नहीं आएगा, इसमें तो हम स्टेट कर रहे हैं, एक चीज़ को बता रहे हैं हम, तो इसलिए इस टू वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें एकदम सही रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा ओनली ए। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको कॉन्फिडेंस के साथ करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दे विल ऑल्सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड सम टाइम ऑन द स्कूल कैंपस एंड इंटरेक्ट विद टीचर्स। इस सेंटेंस का मतलब हिंदी में क्या है कि इस सेंटेंस का मतलब है कि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें और कुछ समय इस कैंपस में गुजार सकें। ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है ये कौन कौन से सेंटेंसेस से रिप्लेस हो सकता है? दे विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, ये सही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है तो फर्स्ट फॉर्म इसमें है नहीं, इसमें तो ING फॉर्म है, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। तो रिप्लेसमेंट तो इसका चाहिए, तो रिप्लेसमेंट के लिए आपको सही वर्जन इसका देखना पड़ेगा। तो सही ये है इसमें, दे विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और
दे वुड ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं. एक्चुअली विल हम लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, वुड वुड हम तब लगाते हैं जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं. विल जो होता है प्योर फ्यूचर के लिए आता है, और वुड जो आता है जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं. इसको मैं डिटेल में आपको अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन विल का फास्ट फॉर्म जो होता है वुड होता है, और विल को वुड से रिप्लेस किया जा सकता है बिना किसी मिस्टेक के. तो इसमें आप दे विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, दे वुड ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी भी पूरी तरीके से सही है, और दे शुड ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी ये वाला जो सेंटेंस है ये भी सही होता यदि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती, क्योंकि मॉडल्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है. मतलब ये वाला इसमें नहीं आ सकता, इसमें फर्स्ट और थर्ड आ सकते हैं, ठीक है. और ये वाला पार्ट गलत क्यों है, क्योंकि विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें लगी आईएनजी फॉर्म, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड इसमें आपका आंसर होगा, इसमें आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है. इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है. क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं. द यूथ अलेजिडली पोस्टेड अ वीडियो ऑफ द इंसिडेंट शॉट ऑन ए मोबाइल फोन हु वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया. देखिए सेंटेंस का पहले मतलब समझिए कि यूथ जो जवान लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर एक ऐसा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, ठीक है, अलेजिडली पोस्टेड ए वीडियो ऑफ द इंसिडेंट शॉट ऑन ए मोबाइल फ़ोन. एक कोई घटना हुई और उसका वीडियो उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, यानी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर, और वो कैसा हो गया, वो वायरल हो गया, वो सब जगह फैल गया. वायरल हो गया मतलब वो सब जगह फैल गया. तो वेंट वायरल कहना सही है, जैसे हम बोलते हैं गो वायरल, ठीक है. तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, पोस्टेड से पता पड़ रहा है हमको कि ये सेंटेंस पास्ट में है, तो वेंट कहना सही रहेगा, लेकिन हु कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो की बात कर रहे हैं, तो वीडियो के लिए हु नहीं आएगा, वीडियो के लिए विच आएगा यहाँ पर. तो ये सेंटेंस आपका जो है ये गलत है, और इसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है. तो रिप्लेसमेंट के लिए क्या लगा सकते हैं आप, एक तो ये सही है, देखिए विच वेंट, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म भी है और विच भी है, ठीक है. इसमें देखिए गोइंग है, विच तो है लेकिन गोइंग है, यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि ये पास्ट टेंस है, यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, तो इसलिए विच वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया ये सेंटेंस सही है यहाँ पर सेकेंड, ठीक है. फर्स्ट इसमें गलत है क्योंकि विच के साथ गोइंग नहीं आएगा, पास्ट में हम गोइंग नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर दैट गो वायरल ऑन सोशल मीडिया क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए गो नहीं लगाएंगे. तो इसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड गलत हैं, इसमें केवल थर्ड आपका सही है. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड, ये इसका आंसर होगा, ठीक है. इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है. अब ये क्लोज टेस्ट है, और इस क्लोज टेस्ट को देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको. द समिट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू कोरियाज इज परहैप्स द मोस्ट. देखिए इसमें क्या बात हो रही है, इसमें ये बात हो रही है कि टू कोरियाज मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इसमें बात हो रही है, और दोनों के लीडर्स क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में ये बात हो रही है. समिट का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है मीटिंग, दो लोगों की जो शिखर वार्ता होती है उसको हम बोलते हैं समिट, और दो कोरियन लोगों की, दो कोरियन लीडर्स की यहाँ पर समिट की बात हो रही है. द समिट बिटवीन द लीडर्स, अब देखिए इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यदि दो से ज़्यादा लीडर होते यहाँ पर तो यहाँ पर फिर बिटवीन नहीं आता, ये कॉमन सेंस अप्रोच है. बिटवीन लगा हुआ है इसका मतलब है कि लीडर्स दो ही हैं, और लीडर दो कौन से हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है. तो इसके बीच में क्या हो रहा है, द समिट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू कोरियन इज परहैप्स द मोस्ट स्टेप. अब मोस्ट के आगे आपको यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट टफ, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डार्क, कुछ भी मैं बोलता हूँ मोस्ट के बाद यहाँ पर आपको, चूंकि मोस्ट क्या है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है मोस्ट, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए. तो एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी इसमें, इसमें फर्स्ट में क्या क्या दिया है, अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंस, ठीक है. इंपॉर्टेंस तो नाउन है तो ये तो आएगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी नाउन है नहीं आएगा, क्रिटिकल आ सकता है लेकिन क्रिटिकल गलत है, डेट्रीमेंटल भी एडजेक्टिव है, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट, क्रिटिकल और डेट्रीमेंटल एडजेक्टिव हैं, ठीक है. लेकिन इसमें सही क्या होगा, सही होगा इसमें सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट इसमें सही होगा क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और जब इम्पोर्टेंट की जगह हम कोई फॉर्मल वर्ड हमें यूज करना होता है तो उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं सिग्निफिकेंट,
सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। अब देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट अगर होता तो ये सही हो सकता था, यहां पर दिया है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट नहीं दिया, इंपॉर्टेंस दिया है। क्रिटिकल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि क्रिटिकल का मतलब थोड़ा सा डेंजरस, जिसको हम बोलते हैं कोई चीज़ डेंजरस है या कोई चीज़ वल्नरेबल है, उस सेंस में हम क्रिटिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट सही रहेगा। डेट्रीमेंटल का मतलब हार्मफुल होता है, तो डेट्रीमेंटल नहीं आएगा क्योंकि दो लोगों की जो मीटिंग है वो डेट्रीमेंटल नहीं हो सकती, वो हार्मफुल नहीं हो सकती, वो फ़ायदेमंद ही होगी। इसलिए मीटिंग जो समिट जो होता है वो कभी भी डेट्रीमेंटल नहीं हो सकता, वो क्रिटिकल हो सकता है या सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो क्रिटिकल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्रिटिकल में थोड़ा सा डेंजर का एलिमेंट लगा रहता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट जो वर्ड है ये यहाँ पर एकदम से आपका सही चॉइस रहेगा। द समिट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू कोरियाज इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इन डिकेड्स टुवर्ड्स सिक्योरिंग पीस ऑन द पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। किस लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है? ताकि इस पेनिनसुला पर यहाँ पर जो शांति है वो कायम की जा सके, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिसएग्रीमेंट था, लड़ाई हो गई थी, तो इसलिए उनमें युद्ध चलते रहते थे। तो अब जब से दोनों में मीटिंग हुई है तब से ये एक एग्रीमेंट हो गया है और इस एरिया में अब शांति बनाई जा सकती है। तो इस बारे में ये बात हो रही है। किम जोंग उन, ये आप, ये नॉर्थ कोरिया के हेड हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। किम जोंग उन ऑन फ्राइडे बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ कोरियन लीडर सिंस द 1953 टू स्टेप ऑन साउथ कोरिया सॉइल। अब देखिए नॉर्थ कोरिया का लीडर साउथ कोरिया में जा रहा है, तो एक तरफ है नॉर्थ कोरिया और एक तरफ है साउथ कोरिया, तो अब नॉर्थ कोरिया का लीडर साउथ कोरिया में क्यों जाएगा? यदि इनमें लड़ाई है तो नहीं जाएंगे, ठीक है। यदि इनके दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया है, तभी तो एक लीडर दूसरे लीडर की ज़मीन पर जाएगा। यदि दोनों के बीच में लड़ाई है तो क्यों जाएंगे वो वहाँ पर? तो इसलिए आपको यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ये दिखाए कि जब से शांति वार्ता हुई है या जब से इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, सिंस द 1953, अब यहाँ पर आपको एग्रीमेंट से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब एग्रीमेंट हो जाएगा तभी तो एक लीडर दूसरे लीडर की ज़मीन पर जाएगा। तो हार्मनी हम नहीं बोल सकते क्योंकि दो कंट्रीज़ के बीच में हार्मनी जो होती है, हार्मनी का मतलब होता है शांति या एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, उसको हम बोलते हैं हार्मनी। डिस्कॉर्ड, रेबेलियन, आर्म्ड और आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस क्या है? आर्मिस्टिस एक्चुअली एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है शांति के लिए, उसको हम बोलते हैं आर्मिस्टिस। तो आर्मिस्टिस यहाँ पर आपका सही ऑप्शन रहेगा क्योंकि दो लोगों के बीच में जब एग्रीमेंट हो जाएगा शांति का, तभी एक लीडर दूसरे लीडर की ज़मीन पर जाएगा फर्दर बात करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर आर्मिस्टिस जो वर्ड है वो सही रहेगा। आर्मिस्टिस टू स्टॉप स्टेप ऑन साउथ कोरिया सॉइल, नॉट मैनी हैड फोर सीन सच ए रैपिड टर्न अराउंड इन टाइज बिटवीन द टू कोरियाज। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने इस तरह के रैपिड टर्न अराउंड को, मतलब एकदम से सिचुएशन जब पलट जाती है तो उसको हम बोलते हैं रैपिड टर्न अराउंड, इस तरह की सिचुएशन को फोरसी नहीं किया था, इस तरह की सिचुएशन को पहले नहीं देखा था। फोरसी करना मतलब पहले से देख लेना किसी चीज़ को, पहले से उसको भांप जाना, उसको हम बोलते हैं फोरसी। तो नॉट मैनी हैड फोरसीन सच ए रैपिड टर्न अराउंड इन टाइज बिटवीन द टू कोरियाज गिविन द एक्रीमोनी एंड वॉर रेटरिक ऑफ द रिसेंट पास्ट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एक्रीमोनी को देखते हुए, मतलब जो इन दोनों देशों के बीच में जो कड़वाहट थी, जो युद्ध की नीति थी, इस चीज़ को देखते हुए इस रैपिड टर्न अराउंड की काफ़ी सारे लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, ठीक है। जब आपको सेंटेंस का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आता है तभी आप उसको करेक्टली और परफेक्टली कर पाते हैं। मिस्टर किम हैड स्टेप्ड अप हिज कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम सिंस एज्यूमिंग पावर इन 2011। 2011 में जब उन्होंने पावर में वो आए तब से उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है उसको स्टेप अप किया, उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया। लास्ट ईयर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड ही इवन एक्सचेंज्ड न्यूक्लियर। अब यहाँ पर क्या आ सकता है? उन्होंने किस चीज़ को एक्सचेंज किया? तो न्यूक्लियर से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए। न्यूक्लियर कंपल्सन्स, न्यूक्लियर एक्सपल्सन्स, वीकनेसेस, वेपन्स, किस चीज़ को एक्सचेंज करेंगे? वो न्यूक्लियर वेपन्स को तो एक्सचेंज करेंगे नहीं, जब उन्होंने जब 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 दोनों लीडर्स में बात हो रही है तो वो वेपन्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे या कंपल्सन्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि उन्होंने एक्सचेंज किया, मतलब
उन्होंने बात की कि इस एरिया में न्यूक्लियर थ्रेट्स क्या क्या हैं, ठीक है, कौन कौन बम का यूज़ कर सकता है, कौन कौन न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ को एक्सचेंज किया, दे इवन एक्सचेंज न्यूक्लियर थ्रेट्स, न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से जो खतरे हैं, जो डेंजर्स हैं, उन चीज़ों को उन्होंने एक्सचेंज किया। तो यहाँ पर आएगा न्यूक्लियर थ्रेट्स। बट इट हैज़ बिकम एविडेंट दैट मिस्टर किम्स प्राइमरी गोल मे नॉट बी टू मेंटेन द नॉर्थ न्यूक्लियस नॉर्थ न्यूक्लियर और टू लिव इन ए परपेचुअल हॉस्टाइल एनवायरमेंट। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चूंकि और लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और लगा हुआ है और क्या 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 लिखा हुआ है, टू लिव इन ए परपेचुअली हॉस्टाइल एनवायरमेंट, दुश्मनी पूर्ण माहौल में लगातार रहना, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको वर्ड चाहिए और ये वर्ड होगा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। जब आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे तभी तो आपका आपके पड़ोसियों से जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर नॉर्थ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो वर्ड इसमें सही रहेगा। हैज सिग्नल्ड दैट ही इज़ विलिंग टू बार्टर, बार्टर का मतलब है सौदा करना, ठीक है। ही हैज सिग्नल्ड दैट ही इज़ विलिंग टू बार्टर द नॉर्थ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटीज, मतलब नॉर्थ कोरिया के जो हेड है उन्होंने बोल दिया है कि वो नॉर्थ न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया की जो कैपेबिलिटी है उसको वो बार्टर करने के लिए तैयार हैं, मतलब उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करने के तैयार हैं बशर्ते कि इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एश्योरेंसेज उनको दिए जाएं कि इस एरिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी और शांति कायम होगी। तो इश्यूज़ आप नहीं बोल सकते यहाँ पर, ठीक है। ही इज़ विलिंग टू बार्टर, ही इज़ विलिंग टू बार्टर का मतलब है कि वो सौदा करने के लिए तैयार है बशर्ते कि यहाँ पर आपको उनको एश्योरेंस दिया जाए कि इस एरिया में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उनको मिलेंगे। तो इसलिए बी इसमें सही रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को करना है और इस तरीके से आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट को करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एक क्वेश्चन को आपको 40 सेकेंड में करना है, 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करना है, तो उस हिसाब से आपको 40 सेकेंड में एक क्वेश्चन करना है। और यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो 20 से 22 नंबर लाना, 30 में से, हालांकि आप पूरे भी ला सकते हैं यदि अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो, लेकिन 20 में से 22 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में। तो इस तरह के और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा इस ई कोर्स में, इस वीडियो कोर्स में, लेकिन आप सारे वीडियोस ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। और यदि आपके पास टाइम है तो आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकते हैं बहुत ईमानदार तरीके से। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ आप रेगुलर बेसिस पर ज़रूर लगाएं। और इसी बात के साथ इस वीडियो क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।